श्री राम भाई। तो आज है हमारा वेडनेसडे और आज तारीख 18 तारीख है गाइस। तो आज एक्चुअली हमारा एकदम से प्लान बना है, हम जा रहे हैं कौन सी जगह, दो मिनट में बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, हमारे साथ हमारे हिमाचल से कंवर भाई आए हैं। कंवर भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। तो कंवर भाई रात को आ गए थे मेरे रूम पे ऋषिकेश हिमाचल से, और हमारे साथ है मंत्री जी। तो गाइस अभी हम देहरादून जा रहे हैं, देहरादून से हम जा रहे हैं। कौर भाई कौन सी जगह जा रहे हैं? हम लोगों ने नेटवाड़ जाना है। नेटवाड़, तो हम हनौल से आगे हम नेटवाड़ जा रहे हैं। नेटवाड़ पता है किसलिए जा रहे हैं? एक कुत्ता लेने, और वो बहुत ही मतलब लोगों ने बोला है कि मतलब आगे जो कौर भाई ने बात करी, कौर भाई की फ्रेंड है वो अच्छे, तो उनके पास है, वो मेल फीमेल है दो, तो वो लेने जा रहे हैं। और अभी हम निकले हैं, टाइम देख लो 3:35 हो रहा है टाइम। अब जहाँ भी हम रुकेंगे वही है, मुझे नहीं लगता कि हम सीधा नेटवाड़ पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कौर भाई रात को? पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अंधेरा बहुत हो जाएगा, फायदा क्या हो जाएगा। हाँ वही तो गाइस, जैसा भी सीन होता है आगे आपको दिखाते हैं सिस्टम क्या है क्या नहीं है, और चलते हैं नए डॉग की तलाश में। तो भाई हम पहुंच गए हैं मोरी। मोरी में बज रहे हैं 11:10, और ये हमने कमरा लिया। पिछली बार जब मैं आया था सांकरी कहते हैं इसको, नहीं नहीं वो लास्ट विलेज मसरी जो लास्ट उत्तराखंड का विलेज है, तो वो भी यहीं से रास्ता है। तो तब भी मैं राधे श्याम जी के साथ था, तो यहीं हमने होल्ड करा था। एक्चुअली कौर भाई की थोड़ी बातचीत है, तो उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था 8 बजे कि हमारा होटल खोलना रखना, क्योंकि 11 बजे पूरे गढ़वाल में आपको बता कुछ नहीं खुलता। तो उन्होंने चाबी वाबी सब खोल के रख दी थी। और मंत्री जी को देखो स्लेटी में टीवी देख रहे, छोटी सी स्लेटी में। तो ये है अभी हम रूम पे पहुंच गए हैं, फाइनली हम मोरी पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा ज़्यादा नहीं है, 60-70 किलोमीटर है बस, तो मॉर्निंग हम कवर कर लेंगे। आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, ये सारे रूम ही रूम है। इसी होटल में रुके थे हम रात को पिछली बार, और इस गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगा रखी अपनी। कल हम जल्दी उठ के निकल जाएंगे, क्योंकि कल हमें बस एक बच्चा कैरी करना है अगर अच्छा लगा तो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं मोरी से थोड़ा और आगे, और ये भी उत्तरकाशी में ही आता है। अभी हम ये दोनों भाई तो इधर सेक रहे हैं आग। गुड मॉर्निंग भाई। तो भाई टाइम हो गया है 9:30, और हमने चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, चाय का वेट कर रहे हैं। और इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा है। इधर बैठ के भी आप चाय पी सकते हो, नीचे बैठ के नदी के किनारे एकदम आप आराम से। भाई वापसी में जब हम वहाँ पर टाइम बचेगा तो हम इधर ही बैठ के पार्टी करेंगे। वैसे तो पक्का नहीं है, लेकिन शायद इधर ही करें। भाई परांठे आ चुके हैं, अब हम परांठे खाते हैं और चलते हैं। ठीक है गुरु भाई? ओके भैया बैठो। गाइस कैमरा मैन है हमारे मंत्री जी, मंत्री जी दिखाएंगे व्यू बाहर का। ये है भाई साहब एकदम चिल्ड पानी, बोले तो गदरे का गरम पानी। वाह वाह गरम, मजा आ गया। ओए होए 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 होए, नाने लायक है ये पानी। ये है टोंस नदी नीचे है, जिसमें ट्राउट फिश मिलती है, बहुत ज्यादा टेस्टी। भाई ऐसे नदी में तो नहाने का मन करता है यार, कितना साफ सुथरा क्लीन पानी है। तो भाई जी हम पहुंच गए दौड़ी गांव। दौड़ी गांव में भाई जी जरा फोन कर रहे हैं एक दो जगह से, क्योंकि वो सामने उधर गांव दिखाई दे रहा है, उधर ऊपर टॉप में एकदम उधर से बंदा पैदल पैदल आएगा, फिर तो उसका वेट करना है, उसका वेट करते हैं। सर से पहले बताया था इधर ऊपर गांव से पैदल पैदल आना, उसे लगेंगे 2-3 घंटे आने में, और तब तक फिर यहां से थोड़ा मासरी गांव पास था, तो मासरी आ गए लास्ट है। ये देख लो इधर गाड़ी लग गई है, इसके बाद रोड नहीं है, फिर हमें पैदल पैदल जाना है गाँव में। उधर वाले घर पे जा रहे हैं, छोटी सी खिड़की है, वो राधे श्याम जी की बुआ है, बुआ का घर जहाँ मैं पिछली बार भी आया था। तो अगर यहाँ भी कुत्ते के बच्चे मिलते हैं तो यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ किसी लोगों ने बताया कि है किसी के पास 2-4 बच्चे हैं, तो देखते कैसे हैं। उस मंदिर में दोबारा आ गए, जा रहे हैं यहाँ भी देखने बच्चे। ये हमें देख के सोचते कि शहर से आए हुए हैं, तो एक एक बच्चे के 15,000 रुपए ऐसे खिला रखे नहीं है ना ठीक।
बाकी बढ़िया कुत्ते बच्चे चल रहे बिस्किट खाने से बच्चा मोटा होता है। हाय रे मामा अक्सर बहुत तरह का बाबा तू नहीं बाईस पंजे वाला है बिस्किट ओ यार रसे भाई जी यहाँ से मैं इसलिए बच्चे लेके आया क्योंकि जो ये जो पूरा गांव है ना गांव इसमें सारे भेड़ बकरी पालने वाले ही रहते हैं तो इनके पास अच्छी ब्रीड होती है। हाँ चलो ठीक ठीक लगा गाइस जो ये वाला है ना ये अभी एक महीने का भी नहीं हुआ पूरा और इसके 22 पंजे देखो ये पीछे दो पंजे एक्स्ट्रा उस पैर में भी और इस पैर में भी ये भोटिया की ओरिजिनल पहचान। एक एक फीमेल ये है ये तो मोटा है बहुत ना मोटे की बात नहीं है यार मुंह छोटा है ले कुछ कुछ अरे ले लो हां पंजे कितने 22 हैं काती पंजे को ले यो यो 22 ना 22 है 22 देखो गाइस ये भी 22 पंजे का है ये वो 22 वाला निकाल दो पुरनु ना इधर कुत्ते आ जाए ऊपर आएगी बोले नहीं काटेगी ना ये देखो इसके गले में वो लगा शेर से बचने के बाघ के अटैक के चक्कर में बचने के लिए वो लगा हुआ ये भी भेड़ी का ही है। तो गाइस मैंने एक मेल फीमेल का पेयर तो ले लिया दोनों 22-22 नक के हैं और दोनों बहुत हेल्दी हैं बहुत अच्छे हैं फीमेल थोड़ी छोटी है एज में और मेल बड़ा है और अब एक और देखने जा रहा हूँ यहाँ भाई हर घर में सारे बकरी वालों के ही डॉग्स हैं। ये 20 नक्का तो लौंडे पहुंच गए हैं मूरी ये आ गया शेर दूसरा शेर वहां घूम रहा कोने में फ्रेश व्रेश हो रहे हैं हम भी यहाँ फ्रेश हो रहे हैं और व्यू देखो कितना बढ़िया है जहाँ मैंने बोला था अभी कि शाम को इधर आएंगे चिकन का ऑर्डर दे रखा है ऊपर दुकान भी चिकन बन रहा है तब तक ये दोनों भी थोड़े हल्के हो जाएंगे वो रोड इतनी खराब थी ना तो इनको एक को उल्टी हो गई थी उसमें से तो अब थोड़े ठीक लग रहे हैं कंफर्टेबल मेरी बंदगी करी ना मैं डर गया तो गाइस चिकन खा लिया रोटी खा ली अब चलते हैं पहलवानों को भी अब भूख लग रही है दूध पिलाते हैं चलते ऊपर। तो गाइस फाइनली मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं अपने रूम पे और अभी टाइम हो गया है करीबन 1:29 रात के। तो गाइस सोते हैं और पहलवान दोनों एक वहां चढ़ा हुआ एक ऊपर एक ही नीचे बैठा हुआ कुछ 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 ये दोनों। तो गाइस आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। ओके बाय बाय गुड नाइट जय श्री राम।